जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बाल गोपाल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भरें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जन्माष्टमी उत्सव पर झांकी सजाई है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी झांकी सजाई है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैंने एक पिछले साल भी झांकी सजाई थी, उसका वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेड़ बनाया है, उसके नीचे राधा कृष्ण बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं कृष्ण भगवान जी। और साथ में मैंने गौशाला बनाई है, छोटा सा कुआ है, और ये यशोदा माता मक्खन बना रहे हैं, और बाल गोपाल जी मक्खन लेने के लिए जा रहे हैं बाल गोपाल रूप में, और छोटे से बाल गोपाल भी बैठे हैं। यशोदा माता बाल गोपाल को गोदी में लिए हैं और राधा कृष्ण बांसुरी बजाते हुए मग्न हो रहे हैं। छोटा सा उनका महल है और यहाँ पर उनका महल का रास्ता है। एक छोटा सा पेड़ है जिस पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं और नीचे उसके गौ माता बैठी हैं और बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण बैठे हैं। और ये है हमारी यमुना जी, तो यमुना जी पहाड़ों के बीच में से निकल रही हैं और शेषनाग के ऊपर कृष्ण भगवान जी नाच दिखा रहे हैं अपना, और काफ़ी सारे जानवर उनको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और राधा कृष्ण की एक प्रतिमा है जिसमें लाइट ऑन है, और यहाँ से ये हमारा प्रवेश द्वार है। और आज मैंने बाल गोपाल के लिए बर्थडे केक बनाया है, तो आज मेरा भी बर्थडे है। जन्माष्टमी को मेरा भी बर्थडे रहता है, डेट नहीं है आज, बट जन्माष्टमी को मेरा बर्थडे रहता है। तो आज मैंने बाल गोपाल के लिए एक कृष्ण बढ़िया सा केक बनाया है। और बताइए फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये झांकी कैसी लगी? और ये है मेरी झांकी का पूरा दृश्य। और अभी हम बाल गोपाल का केक कट भी करेंगे। और यहाँ पर मैंने बाल गोपाल को झूला झुलाया है, और झूले में हमारे घर के जो बाल गोपाल हैं वो झूला झूल रहे हैं। और ये मैंने आज भगवान जी के लिए भोग बनाए थे, तो भोग में लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, रबड़ी, केक और पंचमेवा और चिप्स और कुल्लई वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये फ्रूट्स का भोग है, माखन, मिश्री, दही, सारी चीज़ें बनाई हैं जो मुझसे बन सका, और धनिया की पंजीरी। और ये हमारे बाल गोपाल हैं घर के, कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। और ये हम उनको झूला झूला रहे हैं। और कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको वीडियो, बताइएगा ज़रूर। और आज मैं भी यशोदा माता बनी थी और मेरे दोनों बेटे कृष्ण भगवान जी बने थे। तो ये देखिए मेरा बेटा और मैं। मुझे जन्माष्टमी का पर्व बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फ्रेंड्स, ये कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण आठवां अवतार लेते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी इस बार बहुत शुभ मुहूर्त में आई है। और फ्रेंड्स, अभी हम बर्थडे केक कट करेंगे भगवान जी का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम बर्थडे केक कट कर रहे हैं, और बाल गोपाल मेरा बेटा बना है, और मेरा भी बर्थडे है तो मैंने भी कट कर लिया। और मेरे छोटे वाले बेटा और बड़ा बेटा दोनों बाल गोपाल बने हैं, तो उनने भी मिलकर कट किया है। और हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया था कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, बहुत मज़े आए, और हम मंदिर भी गए थे। और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया बताइएगा। और आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं अपनी इंस्टा आईडी दूंगी, तो सभी फ्रेंड्स अपना अपना पिक सेंड करना मेरी इंस्टा आईडी पर, तो मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी और सभी फ्रेंड्स के फ़ोटो वगैरह रहेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा जन्माष्टमी का व्लॉग है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स कम से कम आधा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक अच्छे से